हेलो गाइस, माय नेम इज़ शफक फ्रॉम श्रीराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक है क्रियाकाल। ये एक फिजियोलॉजी का चैप्टर है। हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्रियाकाल, क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा, काल का मतलब होता है अवसर। क्रिया, बढ़े हुए दोष को शांत करें तथा अन्य व्याधि उत्पन्न होने दें। इस कहने का मतलब ये है, जो हमारे शरीर के अंदर दोष अगर प्रकोपित हो गए हैं उन्हें शांत करें और कोई और व्याधि उत्पन्न ना होने दें, उसे क्रिया कहा जाता है। काल का मतलब होता है अवसर। इन दोनों को मिलाकर क्रिया और काल दोनों का मतलब है चिकित्सा का अवसर। क्रिया काल के भेद, अगर हम चरक और वाग्भट के अनुसार देखें तो तीन भेद होते हैं, चय, प्रकोप, प्रशम। अगर हम सुश्रुत के अनुसार देखें तो क्रिया काल के 6 भेद होते हैं, संचयम, च प्रकोपम, च प्रसरम, स्थान संश्रम, व्यक्तम भेदम, च योवेति, रोगानाम, च भवेत भिषक। सुश्रुत सूत्र स्थान 21/36। इसके अनुसार 6 भेद बताए गए हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद। जो स्टार्टिंग के 3 हैं हम इन्हें विकार भी बोलते हैं और लास्ट के 3 को हम रोग भी बोल सकते हैं। अब हम इनका डिस्कशन अलग अलग करेंगे। संचय, संचय किसे बोला जाता है? संचय बोला जाता है जब हमारी बॉडी के अंदर एक ही जगह पर अपने ही स्थान पर किसी भी दोष की वृद्धि होती है तो उसे संचय कहा जाता है। दोषों के संचय के लक्षण, जो दोष संचय होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? अगर पाथ संचय के कारण क्या होते हैं? कोष्ठ में भारीपन होता है। पित्त संचय के कारण क्या होता है? त्वचा, नख, नेत्र आदि में पीलापन होना। कफ के संचय के कारण होते हैं अग्नि का मंद हो जाना, अंगों में भारीपन होना या फिर हमें आलस्य महसूस होना। ये सब जो होते हैं दोषों के संचय के लक्षण बताए गए हैं। अब दूसरी अवस्था आती है हमारी प्रकोप अवस्था। प्रकोप अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं? जब दोष अपने स्थान से फैलने लगते हैं तो उसे प्रकोप अवस्था कहा जाता है। वात को प्रकोपित होने के कुछ कारण हैं, जैसे कि बलवान से लड़ना, अधिक व्यायाम करना, दौड़ना, चोट लगना, रुक्ष, लघु, कटु, तिक्त, कषाय रस का सेवन करना। इन सब से क्या होता है? हमारा वात कुपित हो जाता है। पित्त के कुपित या प्रकोपित होने के क्या कारण होते हैं? क्रोध, शोक, परिक्षम, उपवास, कटु अम्ल लवण, तीक्ष्ण उष्ण का सेवन करने से पित्त प्रकोपित हो जाता है। कफ के प्रकोपित होने के कारण होते हैं व्यायाम ना करना, आलस्य से मधुर अम्ल लवण, शीत गुरु, दूध, खीर का सेवन करना। इन सब से कफ प्रकोपित हो जाता है। अब हमारा थर्ड आता है प्रसर। प्रसर का मतलब होता है फैलना। अब हम इन तीनों को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने गैस पर घी रखा। गैस पर अगर हमने घी रख दिया, क्या होता है? हमने घी रखा, वो एक जगह पर है। जब हमने उसे एक जगह पर है वो, अगर हमने गैस को जला दिया तो क्या होगा? वो फिर थोड़ी देर के बाद में फैलने लगेगा। घी एक जगह पर है तो इसका मतलब है संचय। अगर वो फैलने लगता है तो उसे बोल सकते हैं हम प्रकोप होना। अब हमने गैस अगर तेज़ कर दिया तो क्या होगा? घी जो है हमारा चारों तरफ उड़ने लगेगा, फैलने लगेगा, जिसे बोल सकते हैं हम प्रसर। तो ये क्या है हमारा? प्रसर। प्रसर मतलब फैलना, दोषों का फैलना। अगर वात फैलता है तो क्या होता है? विमाग गमन तथा अटोप। इसका मतलब क्या होता है? विमार्ग वात के कारण विमार्ग गमन तथा अटोप। विमाग गमन और तथा अटोप का जो होता है मतलब, इसका मतलब ये है उदर में वेदना होना, उदर में वेदना के साथ में पेट में गुड़गुड़ भी होना। और पित्त के कारण क्या होता है? धुएं जैसे, मतलब धुएं जैसे ही डकार आना, जैसे डकार लेंगे हम तो धुएं जैसा फील होना। कफ के कारण क्या होता है? अभिपाक। अभिपाक का मतलब होता है भोजन का ना पचना। अंगसाद मतलब अंगों में दर्द होना। छर्दी यानी वॉमिटिंग होना। तो ये सब क्या है? प्रसर के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद आता है स्थान संश्रय। स्थान संश्रय जो है वो हमारी फोर्थ अवस्था बताई गई है, जहाँ दोष और दूष्य का संश्रय होता है। जैसे कि दोष और दूष्य, संश्रय का मतलब है एकत्रित होना। ये सुश्रुत का श्लोक है, कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खा वेगुत याद व्याधि स्त्रो पचायते।
सुश्रुत सूत्र स्थान 24/19। इसका मतलब क्या है? स्थान संशय की अवस्था किसी व्याधि से पूर्व की अवस्था है, मतलब कोई भी व्याधि होने वाली है उससे पहले की अवस्था को स्थान संशय बोला गया है। अब फिफ्थ आता है व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था व्याधे प्रत्यक्तम रूपम व्यक्ति। सुश्रुत के अनुसार इस अवस्था में व्याधि के लक्षण या चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, मतलब इस अवस्था में आते आते किसी भी व्याधि के सिम्टम्स हमें नज़र आ जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमें सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं कि कौन सी व्याधि होने वाली है। अब आती है भेद अवस्था। भेद अवस्था क्या है? ये श्लोक भेद अवस्था का है। अतः ऊर्ध्मेता शाम वर्धि नृणाम वर्ण भाव भाव माप तृणाम षष्ठ क्रिया काल सुश्रुत सूत्र स्थान 21/35। इस अवस्था में व्याधि अनुतीर्व जीर्ण अथवा असाध्य हो जाती है। इसका मतलब है असाध्य। असाध्य का मतलब है इनक्योरेबल। अब जब इस अवस्था में आ जाएगी तो हम व्याधि को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बताया गया है कि हम व्याधि को पहले ही, जब हमारी फर्स्ट अवस्था हो, हम जब ही ठीक कर लें। हम जैसे कि हमने संचय पढ़ा, प्रकोप पढ़ा, प्रसर पढ़ा, इन अवस्थाओं में व्याधि पर ध्यान देते हैं। तो अगर ये आगे की कंडीशन नहीं आएंगी तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। बाद में क्या होता है, हमारी व्याधि जो होती हैं असाध्य हो जाती हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।